यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस समाज के सभी माँ बाप ने यही चाहते हैं कि अपने बच्चे सही चाल चलन, सही रास्ता में जीवन बिताए। लेकिन आज इस युग में क्या हुआ है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, मूवी, फेसबुक, यूट्यूब, गलत लोगों के संगति के कारण सबका जीवन बिगड़ चुका है। ना माँ का बात सुनते हैं, ना बाप का बात सुनते हैं, ना टीचर का बात सुनते हैं, ना कोई अच्छे लोगों का बात सुनते हैं, अपने ही गलत जीवन के अनुसार चलते हैं। इसलिए इनका जीवन सही करने के लिए दूर दूर तक यात्रा जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत चिंता में डूबे होते हैं, फिर भी इनका जीवन सही नहीं हो पाता। क्योंकि मनुष्य का जीवन सही करने का रहस्य सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसलिए बाइबल में लिखा है भजन संहिता 119:9, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए प्रिय लोगों, समाज के सभी लोगों को बाइबल सीखना जरूरत है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की बातें उस बाइबल में है। मनुष्य का बुराई जीवन उसको पढ़ने से सही हो पाता है। यीशु मसीह ने समाज को सही दिखाया। इसलिए आप लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, आपके घर के बच्चे लोग, बाइबल सीखना बहुत जरूरत है। आप बाइबल को प्रभु यीशु मसीह के पास आके सीख लीजिए। तुम्हारे बच्चों का जीवन बदलेगा, तुम्हारे जवान को जीवन बदलेगा, तुम्हारा भी जीवन बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की।